फोर होल पॉजिटिव इंटीजर एन। ठीक है, अब देखिए आपने जो है किसी एलिमेंट का आर्डर कैसे निकालना होता है या फिर ग्रुप का आर्डर कैसे होता है, फिर उसके एलिमेंट का आर्डर मीन्स जो भी चीज़ें थी अबेलियन ग्रुप, सब ग्रुप, ग्रुप, सभी चीज़ें आपने सीख लिया है। और अब आपको क्या करने की ज़रूरत है कि साइक्लिक ग्रुप आपका क्या होता है, क्या है जो आपका साइक्लिक ग्रुप है वो आपका क्या होता है, या फिर उसके ऊपर जो बेस्ड आपके रिजल्ट है उनको कैसे सीखना है, या फिर जो है कोई हमें रिजल्ट के अकॉर्डिंग पूछे कि वो साइक्लिक है या नहीं तो उसको हम पहचानना भी तो सीख सकें, तो कैसे करेंगे, तो अब हमें स्टडी करना होगा साइक्लिक ग्रुप की। क्या है अब जो हमें स्टडी करना है वो ये करना है कि साइक्लिक ग्रुप आपका क्या होता है। साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, अ ग्रुप जी इज सेड टू बी अ साइक्लिक, एक ऐसा ग्रुप जिसको आप साइक्लिक बोलना चाहते हो तो वो क्या करनी चाहिए, अ ग्रुप जी इज सेड टू बी साइक्लिक, इज सेड टू बी अ साइक्लिक इफ़ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए। क्या है इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी, ए बिलोंग्स टू जी सच दैट ए रेज टू पावर एन करने से आपको क्या मिल जाए, ए रेज टू पावर एन करने से आपको वन मिल जाए। क्या है सच दैट ए रेज टू पावर एन के फॉर्म में लिखा जा सके, सच दैट जी बी आ ग्रुप, और जिसको आप क्या बोलना चाहते हो साइक्लिक बोलना चाहते हो, इफ़ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ जी, सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज ऑफ द फॉर्म, इस ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट की फॉर्म कैसी होनी चाहिए, ए रेज टू पावर एन Where n is a positive integer, n is a integer, क्या है यहाँ पे जो n denote किया गया है वो किसको represent कर रहा है, वो आपके integer को represent कर रहा है। The element a is called generator of g, जो ये element a लिखा हुआ है, the element a is called जनरेटर ऑफ ग्रुप जी एंड इट इज डिनोटेड बाई, मतलब जनरेटर किसी भी एलिमेंट का कैसे आप डिनोट करोगे, एंड डिनोटेड बाई जनरेटर को, एंड जनरेटर को कैसे डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाई इस सिंबल से या फिर आप स्मॉल ब्रैकेट में ही रिप्रेजेंट कर दीजिए। ठीक है, द एलिमेंट ए इज कॉल्ड जनरेटर ऑफ जी एंड वी राइट या फिर एंड वी डिनोटेड बाई इस सिंबल से या फिर इस तरीके से। ठीक है, मतलब ये है कि इसके हर एक एलिमेंट किस फॉर्म में होनी चाहिए, ए रेज टू पावर एन, जहाँ पे एन आपका कोई भी इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो यदि ऐसा होगा तो वो ग्रुप आपका साइक्लिक ग्रुप कहा जाएगा। क्या है वो ग्रुप आपकी साइक्लिक ग्रुप कही जाएगी। ओके, अब यहाँ पे जो है एक चीज़ करते हैं, क्या है यहाँ पे आपको क्या करना है, साइक्लिक ग्रुप की तो आपने स्टडी कर ली है, क्या कि आपके पास एक ऐसा ग्रुप हो जिसको आप साइक्लिक बोलना चाहते हो तो उसके हर एक एलिमेंट की जो फॉर्म होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, ए रेज टू पावर एन, जहाँ पे एन जो है आपका कोई भी इंटीजर हो। ठीक है,
और यहाँ पे जो एलिमेंट ए होगा वो आपको जो है जनरेटर कहा जाएगा ग्रुप जी का। क्या है? द एलिमेंट ए इज कॉल्ड द जनरेटर ऑफ ग्रुप जी। और यहाँ पे इसको जो डिनोट करने का मेथड है जनरेटर को, वो आप इस सिंबल से या फिर आप इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे जो है हम जैसे कि जेड फाइव का स्टार, क्या है जो आपको जेड फाइव का स्टार मतलब ये है कि जेड फाइव का मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे जैसा कि अभी हमने जो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में चेक किया था जेड थ्री या फिर जेड फोर में, वहाँ पे हमने जीरो को गायब किया था ना, तो वहाँ पे आपको जो है जेड स्टार ऐसा कुछ नाम दे देना चाहिए था। वहाँ पे जो हमने नहीं दिया है उसको आप कर लीजिए, ठीक है। मीन्स किसके रिस्पेक्ट में? सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में जो हमने कैलकुलेट किया है उसके अंदर जो है, जैसे आपका जेड थ्री है और यहाँ पे आपने वन और टू लिखा है, तो इसका मतलब ये आप जेड थ्री का स्टार उसको बनाइए, बना लीजिए। फिर जैसे आपका जेड फोर हमने लिखा होगा मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो फोर के रिस्पेक्ट में, देखिए ये लिखा गया है या फिर नहीं, इसका स्टार आपको करना होगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन में करना है तो आप स्टार लगाइए, क्योंकि उसके अंदर से आपने जीरो एलिमेंट को हटाया हुआ है। वन टू थ्री, ठीक है, इसको आप ठीक कर लीजिए। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो आपका जेड फाइव का स्टार है इसके हर एक एलिमेंट का हम आर्डर चेक करते हैं। क्या है? इसके हर एक एलिमेंट का हम आर्डर चेक करते हैं और देखते हैं कि इसके एलिमेंट की जो फॉर्म है वो किस फॉर्म में है। देखिए जेड फाइव का स्टार, देखिए जेड फाइव का स्टार समझते हैं, जेड फाइव के स्टार में क्या लिखा होगा। वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो फाइव। क्या है? मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो फाइव। चलिए कंपोजिशन टेबल ड्रा करते हैं। वन टू थ्री फोर, वन को वन से वन टू थ्री फोर, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स वन, टू फोर जा एट, फाइव वन जा फाइव थ्री एट, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स और यहाँ पे आपको वन मिलेगा, और थ्री थ्री जा नाइन, फाइव वन जा फाइव वन फोर, आपको नाइन मिलेगा, और फोर थ्री जा ट्वेल्व, ट्वेल्व को फाइव टू जा टेन, टू ट्वेल्व, फोर वन जा फोर, फोर टू जा एट, फोर थ्री जा फाइव वन जा फाइव थ्री एट और यहाँ पे फाइव, फोर थ्री जा ट्वेल्व, फाइव टू जा टेन, टू ट्वेल्व और यहाँ से आपको फोर फोर जा सिक्सटीन, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, वन आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखिए आर्डर ऑफ वन, क्या है? वन टू थ्री फोर, और इसका जो है आपने ये चीजें देख ली है। अब यहाँ पे जो है वन का आर्डर कितना मिलेगा, यहाँ पे जो है यदि हम वन के आर्डर की बात करें तो यहाँ पे जो है आपको आर्डर ऑफ वन कितना मिलेगा, वन का आर्डर आपको, वन आपका क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, और आइडेंटिटी एलिमेंट का आर्डर कितना होता है, वन होता है। क्या है? वन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एलिमेंट टू है इसकी तो आर्डर के अंदर कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। क्या है? रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। अब यहाँ पे देखिए टू की कितनी पावर होगी ना, वन रेज टू पावर वन, वन है मल्टीप्लीकेशन का रिस्पेक्ट है, और टू रेज टू पावर थ्री पे वैल्यू वन है। मीन्स ये है कि टू का आर्डर आपको थ्री मिलेगा। थ्री की कितनी पावर पे आपको वन मिल रहा है, थ्री रेज टू पावर टू आपको वैल्यू वन मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आर्डर ऑफ थ्री आपको टू मिलेगा, और यहाँ पे फोर है, और यहाँ पे जो है कितनी पावर करने पे मल्टीप्लीकेशन की आइडेंटिटी आ रही है, फोर रेज टू पावर फोर, तो यहाँ पे आर्डर ऑफ फोर आपको फोर मिल जाएगा, ठीक है। वन का आर्डर वन है, टू का आर्डर थ्री है, थ्री का आर्डर टू है, फोर का आर्डर फोर है।
ओके, ये आपने इस कंपोजिशन टेबल की हेल्प से ये चेक किया कि इस किसकी कितनी पावर करने से मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी मिल रही है। क्या है? मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी मिल रही है। वन की वन पावर करने से वन, टू की थ्री पावर करने से वन, मतलब ये है कि कितनी पावर यानी कितना है कि वही तो उसका आर्डर हो जाता है एलिमेंट का। ओके, अब क्या सीखना है आपको? जनरेटर, क्या है? जनरेटर देखना है। अब देखिए, वन तो आपका जनरेटर है नहीं, क्योंकि वन की पावर आपको जनरेटर कौन मिलता है? उस एलिमेंट की आप पावर, एलिमेंट को मत हटाइए, उसकी पावर को इंक्रीज कीजिए, और पावर को इंक्रीज करने से यदि आपको सेट के हर एक एलिमेंट मिल जा रहे हैं तो वो एलिमेंट आपके जनरेटर का वर्क करता है। क्या है? एलिमेंट आप सेम रखिए, उसकी पावर को इंक्रीज कीजिए, और इंक्रीज करने से पावर को आपको क्या मिल जाए? सेट के हर एक एलिमेंट यदि मिल जाते हैं तो वो एलिमेंट आपके जनरेटर का वर्क करेगा उस सेट के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे वन की हम वन पावर करेंगे, वन वन की कितनी भी पावर करेंगे हमेशा आपको वन ही मिलेगा, और वन के अलावा भी इसके पास मेंबर है, टू भी है, थ्री भी है, फोर भी है। तो यहाँ पे आप आएंगे, टू उठाएंगे, टू रेज टू पावर वन पे आपको वैल्यू टू जो कि आपका ये मिल चुका है, टू तो हो चुका है, टू रेज टू पावर टू मीन्स आप फोर मिला है, फोर आपको जो है मिल चुका है, ये मिल चुका है। ठीक है, टू रेज टू पावर आपने थ्री किया, टू टू जै फोर टू जै एट, एट को आपने फाइव से डिवाइड किया, आपको रिमाइंडर थ्री जो कि ये एलिमेंट हो चुका। टू रेज टू पावर फोर आपने किया, टू टू जै फोर टू जै एट टू जै सिक्सटीन, सिक्सटीन को जो है आपने फाइव से डिवाइड किया, फाइव थ्री जै फिफ्टीन, और यहाँ पे आपको जो है वन रिमाइंडर, मतलब आपको वन भी मिल चुका है, टू भी मिल चुका है, थ्री भी मिल चुका है, फोर भी मिल चुका है। क्या है? इस एलिमेंट टू से आपने क्या किया है? सेट के हर एक एलिमेंट को लाया है। तो यहाँ पे जो टू है, हेयर टू इज अ जनरेटर, यहाँ पे जो आपका टू है, टू आपका जनरेटर है। किसके लिए? टू इज अ जनरेटर ऑफ जेड फाइव स्टार। अब देखिए, आपके माइंड में ये आया कि टू तो इसका जनरेटर है, अब हम क्या कर दें, थ्री को भी जनरेटर बोल दें। तो देखिए, थ्री रेज टू पावर वन करेंगे तो आपको थ्री मिल जाएगा, थ्री रेज टू पावर थ्री करेंगे नाइन मिल जाएगा, फाइव से डिवाइड करेंगे फोर मिल जाएगा, थ्री रेज टू पावर थ्री करेंगे, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री जा ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी सेवन को फाइव से डिवाइड करेंगे, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, टू मिल जाएगा, मतलब थ्री मिल चुका, फोर मिल चुका, टू मिल चुका। अब यहाँ पे थ्री रेज टू पावर फोर, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री जा ट्वेंटी सेवन, और ट्वेंटी सेवन थ्री जा आपको एट्टी वन, एट्टी वन को जब आप फाइव से डिवाइड करेंगे तो आपको जो है रिमाइंडर यहाँ पे वन मिल जाएगा। क्या है? 16 फाइव जा 80, और यहाँ पे 1 आपको रिमाइंडर मिल जाएगा जो कि आपको ये मिल जाएगा, मतलब आपने 1 भी लाया है, 2 भी लाया है, 3 भी, 4 भी। इस 3 से आपने इस सेट के हर एक एलिमेंट को जनरेट किया है, बनाया है। तो यहाँ पे आपको जो है, जो यहाँ पे 2 है ये भी आपके इस सेट के लिए जनरेटर का वर्क कर रहा है, जो एलिमेंट आपका 3 है ये भी आपके जेड फाइव के स्टार के लिए जनरेटर का वर्क कर रहा है। इसका मतलब जो जनरेटर होता है वो किसी सेट के लिए एक से ज़्यादा भी लाया जा सकता है, वो एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, मीन्स यहाँ पे जो 2 है वो भी जनरेटर है, जो 3 है वो भी जनरेटर है। आपको चेक कर लेना होगा कि 4 आपका जनरेटर है या नहीं। हमने सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश करी है कि जो यहाँ पे जनरेटर होता है आपका, वो जनरेटर आपका एक से ज़्यादा भी लाया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम कुछ रिजल्ट बनाने की कोशिश करते हैं। क्या है? कुछ हम रिजल्ट बनाने की कोशिश करते हैं कि जो आपका सेट ऑफ इंटीजर है, रैशनल नंबर है, रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये आपके जो चार नंबर है, सेट ऑफ इंटीजर, रैशनल नंबर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये चार के चार आपके मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या नहीं बनाते? साइक्लिक ग्रुप की फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं। क्या है? साइक्लिक ग्रुप की फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं। देखिए, इसको रिजल्ट बनाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं। सेट ऑफ इंटीजर जेड, रैशनल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर। इज नॉट अ साइक्लिक ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन।
दिस इज नॉट अ साइक्लिक ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन या फिर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ पे जो है एक चीज़ और लिख लीजिए, एवरी ग्रुप क्या है, ये तो ग्रुप तो है क्या है, बट ये साइक्लिक ग्रुप नहीं है, इसलिए आप आगे से क्या रखेंगे, एवरी ग्रुप नीड नोट टू बी अ साइक्लिक। प्रत्येक ग्रुप आपका साइक्लिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो आप आगे से ये भी याद रखेंगे, एवरी ग्रुप नीड नोट बी साइक्लिक। एवरी ग्रुप नीड नोट बी साइक्लिक। प्रत्येक ग्रुप आपका साइक्लिक मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इसके बारे में आपका कोई भी श्योरिटी नहीं है, क्या है, इस चीज के बारे में कोई भी आपकी श्योरिटी नहीं है। ग्रुप नीड नोट बी साइक्लिक। जो नेक्स्ट रिजल्ट है, रिजल्ट नंबर थर्ड रिजल्ट ये हम लिखेंगे कि जब आपकी ग्रुप क्या है, अबेलियन, उससे भी थोड़ा लेवल को इंक्रीज करते हैं। ग्रुप है तो वो आपका साइक्लिक हो, ये तो कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, अब यहां पे हम ये करते हैं, इफ ग्रुप इज अबेलियन, इफ ग्रुप इज अबेलियन देन इट इज नीड नॉट बी अ, देन जब आपकी ग्रुप अबेलियन होगी तो ये कोई जरूरी नहीं होगा कि वो ग्रुप आपका साइक्लिक ही हो जाए, हो सकता है कि वो ग्रुप आपका साइक्लिक ना भी हो। इफ ग्रुप इज अबेलियन देन इट इज साइक्लिक नीड नॉट बी ट्रू, ये आपका ट्रू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, इसका कंट्रा पॉजिटिव की यदि हम बात करें, फोर्थ रिजल्ट इसके कंट्रा पॉजिटिव पे लेते हैं। कंट्रा पॉजिटिव ये है, इफ ग्रुप इज नॉट अबेलियन देन द ग्रुप इज नॉट अ साइक्लिक, जब आपकी ग्रुप अबेलियन नहीं होगी तो वो ग्रुप आपका साइक्लिक भी नहीं होगा, आपको चेक करने की जरूरत नहीं होगी। इफ ग्रुप इज नॉट अबेलियन, If group is not abelian, then group need not be, then group never be cyclic. Need not be छोड़िए, जब आपका group abelian नहीं होगा तो वो group आपका cyclic group कभी भी नहीं बन सकता, ठीक है। अब यहाँ पे जो है next result, result number fifth है, if group is cyclic then it ऑलवेज अबेलियन, जब आपका ग्रुप साइक्लिक होगा तो उसके अंदर जो अबेलियन की कंडीशन है वो ऑलरेडी इंक्लूड है, लेकिन जब अबेलियन है मतलब अबेलियन और साइक्लिक में भी यदि हम बात करें तो अबेलियन ग्रुप आपका 10th क्लास है और जो साइक्लिक ग्रुप है वो आपका 12th क्लास है, ठीक है। इफ ग्रुप इज साइक्लिक, इफ ग्रुप इज साइक्लिक देन इट इज अबेलियन आल्सो। देखिए यहाँ पे आपको जो है जब ये चार कंडीशन होगी तो ये आपका साइक्लिक ग्रुप मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में नहीं बनेगा, ठीक है। फिर आपका जो है ग्रुप होता है वो आपका कोई साइक्लिक ग्रुप हो ये तो कोई जरूरी नहीं होगा, क्योंकि आपका जो है आर जो है मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बन रहा था, ठीक है। और यहाँ पे आपने देखा कि ग्रुप आपका साइक्लिक ग्रुप हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, इसलिए आपने नीड नोट की रिजल्ट बनाई। फिर आपने ये देखा कि जो आपका ग्रुप है वो यदि आपका अबेलियन है तो वो आपका जो आपका ग्रुप अबेलियन है देन इट इज साइक्लिक, ये जो आपका साइक्लिक की कंडीशन है वो आपका ट्रू भी हो सकता है नहीं भी हो सकता, मतलब अबेलियन है तो वो आपका साइक्लिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। कुछ भी आपके पास श्योरिटी नहीं, इसलिए आपने नीड नोट बी का रिजल्ट दिया। इफ ग्रुप इज नॉट अबेलियन, जब आपकी ग्रुप अबेलियन नहीं होगी तो आप ये बोल दीजिए कि वो ग्रुप आपका कभी भी साइक्लिक ग्रुप नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट आपके पास ये आया कि जब आपका ग्रुप साइक्लिक ग्रुप होगा तो वो ग्रुप आपका अबेलियन ग्रुप भी होगा,
उसके अंदर ये कंडीशन ऑलरेडी एग्जिस्ट होंगी। जो स्टूडेंट 12th पास आउट होगा वो आपका 10th भी पास आउट होगा, अदरवाइज उसको 12th क्लास के अंदर 11th में और 12th में उसको एडमिशन ही ना दिया जाता जब वो 10th पास आउट ना होता। इसका मतलब वो 10th पास आउट तो है, तभी तो उसको 11th क्लास में या फिर 12th क्लास के अंदर एडमिशन मिला है, ठीक है। इसलिए आप ये बोलेंगे इफ ग्रुप इज साइक्लिक देन इट इज अबेलियन आल्सो, ओके। अब देखिए नेक्स्ट रिजल्ट सीखते हैं जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और वो है क्या, नेक्स्ट रिजल्ट, रिजल्ट नंबर 6। सिक्स्थ रिजल्ट आपका क्या है, देखिए सिक्स्थ रिजल्ट आपका ये है, मान लीजिए कि जी आपका कोई ग्रुप है, ठीक है, और उस ग्रुप के पास आपके कम से कम एक ऐसा एलिमेंट है जो कि आपके ग्रुप के आर्डर के इक्वल है, ठीक है। तो यदि आपको ऐसा एलिमेंट मिल जाए कि उसका आर्डर ग्रुप के आर्डर के इक्वल हो जाए, तो उस केस में जो आपका ग्रुप होगा वो ग्रुप आपका साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा। कम से कम एक ऐसा एलिमेंट तो मिलना ही चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब आपका ग्रुप साइक्लिक ग्रुप होगा तो उसके पास कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो आपके ग्रुप के आर्डर के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए समझते हैं, और यहाँ पे वही चीज़ लिखने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए आर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू कितना है, एन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एट लीस्ट वन एलिमेंट इट हैज एट लीस्ट वन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी सच दैट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन, देन द ग्रुप जी इज कॉल्ड कॉल्ड साइक्लिक ग्रुप। ग्रुप का आर्डर एन है और उस ग्रुप के पास आपके कम से कम एटलीस्ट वन एलिमेंट, एक एलिमेंट ऐसा जो कि आपके ग्रुप का एलिमेंट है, और उस एलिमेंट का आर्डर कितना है, एन है, मतलब ग्रुप के आर्डर के इक्वल है, देन तब क्या होगा, जो आपका ग्रुप जी है वो कैसा ग्रुप हो जाएगा, साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा। और ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि जब आपके पास कोई ग्रुप हो, ग्रुप के पास कम से कम आपके पास एक ऐसा एलिमेंट हो जो कि आपके ग्रुप के आर्डर के इक्वल हो, ठीक है, उस एलिमेंट का आर्डर और ग्रुप का आर्डर सेम हो। यदि ऐसा हो जाए तो वो ग्रुप आपका साइक्लिक ग्रुप कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट रिजल्ट देखिए, रिजल्ट नंबर 7th। अब देखिए जब आपका ग्रुप साइक्लिक ग्रुप होगा तो उस ग्रुप के अंदर यदि आपके जो एलिमेंट ए है उसका आर्डर देखें, या फिर हम ये बोलें कि जी आपका कोई ग्रुप है, ठीक है, जो कि आपका कैसा ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है, और उस साइक्लिक ग्रुप के पास जो जनरेटर है और उस जो उस एलिमेंट के जो इनवर्स का जनरेटर होगा वो दोनों आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। कब सेम मिलेगा, जब आपका ग्रुप साइक्लिक ग्रुप होगा,